दोस्तों सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो आप भी इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आपके स्टेट में जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज चलती है उन सभी सर्विसेज में आप वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना होता है, आपको अपनी एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाने होते हैं। तो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए ऊपर में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का। तो आपने पहले से यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी बना ली है तो सिंपली आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी आईडी को लॉगिन करके आपके स्टेट में जितने भी सर्विसेज चलते हैं उन सभी सर्विसेज में आप वर्क कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक पेज खुलकर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फुल नेम फिल करना है, इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है और आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करनी है और आपको यहाँ पर अपने एक पासवर्ड बना लेने हैं। पासवर्ड बनाने के बाद में आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे जो ये कैप्चर कोड दिखाई दे रहे हैं ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर नीचे फिल करने हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगी, तो ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, तो ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से रजिस्टर्ड हो चुका है। आपका अकाउंट सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद में सिंपली आपको इस पॉपअप को यहाँ से कट कर देना है और वापस से यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर फिल करना है और आपने जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है और ये कैप्चर कोड दिखाई दे रहे हैं ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। आपकी जो लॉगिन आईडी रहेगी वो आपकी ईमेल आईडी रहेगी। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने यूजर आईडी की सहायता से इस पोर्टल पर सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आप देखोगे व्यू ऑल सर्विस अवेलेबल, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ऊपर में आप देख सकते हैं आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट हुआ आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई अदर स्टेट है तो इस लिस्ट में से आपका स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही फॉर्म फिल करोगे तो आपको स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन फॉर्म के अंदर ही मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर आल वाले बटन पर क्लिक करना है। आल वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सर्च में आपको फिल करना है बर्थ। जैसे आप बर्थ फिल करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। इश्यू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अर्बन, इश्यू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रूरल, तो आप यहाँ पर जिस क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं ग्रामीण से या फिर शहरी क्षेत्र से उस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पर रूरल यानी इश्यू बर्थ सर्टिफिकेट रूरल पर क्लिक करेंगे। हम जैसे इश्यू रूरल बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म नंबर एक खुलकर आपके सामने आ चुका है। अब इस फॉर्म नंबर एक को आपको कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको जिस कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उस कैंडिडेट की बर्थ सर्टिफिकेट आपको इस कैलेंडर के माध्यम से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में कैंडिडेट का जो भी जेंडर है मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैंडिडेट का नेम यहाँ पर फिल कर देना है या फिर किसी बच्चे का आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं और बच्चे का अगर नामकरण नहीं हुआ है तो आप इस बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर देखोगे नेम ऑफ फादर, जो भी बच्चे का फादर्स का नेम है बच्चे के फादर्स का नेम आपको यहां पर फिल करना है और जो बच्चे के फादर का यूआईडी नंबर है यानी आधार नंबर है वो आपको यहां पर फिल करना है। बच्चे की मदर्स का नेम है वो मदर्स का नेम आपको यहां पर फिल करना है। बच्चे की मदर्स का यूआईडी नंबर आधार नंबर है वो आपको यहां पर फिल करना है और बच्चे का जो भी एड्रेस है कहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ था वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में बच्चे के माता पिता का जो परमानेंट एड्रेस है बच्चे का एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। बच्चे की डिस्ट्रिक्ट बच्चे के पिन कोड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर बच्चे का जन्म कहाँ हुआ तो आपको यहाँ पर प्लेस सिलेक्ट पर क्लिक करना है और बच्चे का जन्म जहाँ पर भी हुआ है हाउस घर में हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ है या फिर किसी अदर जगह पर हुआ है तो आपको यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस जगह पर भी बच्चे का जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और उस जगह का आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर फिल करनी है। जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
इसके बाद में इन्फॉर्मेटिव नेम के अंदर जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल करना है उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, उस व्यक्ति का एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको एड्रेस डिटेल वापस से यहाँ पर फिल करनी है, तो आपको यहाँ पर जो भी आपका विलेज का नेम है वो विलेज का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, आपकी जो भी टाउन विलेज है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर विलेज पर रहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर विलेज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप जो है हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जिस कैंडिडेट का आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जिस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके फादर की जो भी एजुकेशन लेवल है वो एजुकेशन लेवल आपको यहाँ पर फिल करना है, और बच्चे की मदर का जो भी एजुकेशन लेवल है बच्चे की मदर का एजुकेशन लेवल भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में बच्चे का जो भी फादर है उसका जो भी ऑक्यूपेशन है, बच्चे का फादर क्या काम करता है वो उस काम को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। बच्चे की मदर है वो मदर क्या काम करती है, बच्चे की मदर अगर हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर बच्चे की मदर कोई वर्क करती है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों एज ऑफ मदर के अंदर जो बच्चे की माताजी है, शादी के समय बच्चे की माताजी की क्या एज थी वो एज आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में मदर के जब बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम मदर की एज क्या थी वो मदर की एज आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं जो बच्चे की माताजी है उसके इस बच्चे के सहित कितने बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर यहाँ पर एक ही बच्चा हुआ है तो आपको यहाँ पर एक फिल कर देना है, या फिर इस बच्चे के पहले और भी एक दो बच्चे मदर के हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में जो बच्चा हुआ है उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर कोई सिजेरियन से हुई है या फिर वैक्यूम से हुई है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों 19 नंबर वाले पॉइंट में आपको यहाँ पर फिल करना है कि जो बच्चे का जन्म है वो कहाँ हुआ था, कोई सरकारी या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था, या फिर किसी डॉक्टर या फिर किसी दाइमा ने बच्चे का जन्म किया था, फिर किसी रिलेटिव के बच्चा पैदा हुआ, तो इस ऑप्शन में आपको देखकर यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में 21 नंबर वाले ऑप्शन में बच्चे का जो वेट है, जन्म के समय बच्चे का कितना वेट है वो वेट आपको यहाँ पर फिल करना है, बच्चे का जन्म कितने महीने में हुआ है वो वीक के अंदर आपको यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर महीने को वीक के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, और कितने वीक में बच्चे का जन्म हुआ है वो वीक आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखोगे एडिशनल डिटेल के अंदर अप्लाई फॉर ऑफिस के अंदर आपको यहाँ पर ये ऑफिस ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। जब इस फॉर्म को आप कम्प्लीटली फिल कर लोगे तो ये जो फॉर्म है, ये जो ऑफिस है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फिल हो जाएगा। यहाँ पर लोकेशन टाइप के अंदर यहाँ पर जब आपकी जो ग्राम पंचायत है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, और यहाँ पर जो ऑफिस है वो ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। इसके बाद में ये कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर इस नीचे बॉक्स में फिल करना है, और यहाँ पर आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को अगर बाद में सबमिट करना चाहते हैं तो आपको ड्राफ्ट पर फिल करना है, अन्यथा आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करके इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, इस पोर्टल पर आप जैसे यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर अभी सभी स्टेट को लाइव नहीं किया गया है। आप जैसे व्यू अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करोगे और व्यू सर्विस अवेलेबल पर क्लिक करने के बाद में आपके जो सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, इसके बाद में आपको यहाँ पर आल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। आल वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आप जैसे बर्थ लिखकर सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस जिस स्टेट में ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का ऑनलाइन प्रोसेस चालू किया गया है उन स्टेट की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पर तीन ही स्टेट को अभी लाइव किया गया है, मणिपुर, लद्दाख एंड मध्य प्रदेश, ये तीन ही स्टेट अभी यहाँ पर लाइव किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी स्टेट यहाँ पर लाइव कर दिए जाएंगे। आगे चलकर अगर और भी स्टेट यहाँ पर लाइव किए जाते हैं तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर सर्विस प्लस पोर्टल पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक भी स्टेट को लाइव नहीं किया गया था, पर अभी यहाँ पर ये सर्विस प्लस पोर्टल पर ये तीन नए लाइव कर दिए गए हैं, और धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेट यहाँ पर लाइव कर दिए जाएंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार अगर आपके स्टेट का नाम भी इस पोर्टल पर आता है तो सिंपली आप भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट को कुछ इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।